अभी हम यहाँ पे आए हैं कैंपिंग करने के लिए आज। तो ऊपर भी दगन टॉप में जगह थी बट वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, तो ये वाली लोकेशन हमने चूज़ की, यहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे। तो ये रहा हमारा टेंट, पहले टेंट को लगा लेते हैं फिर आपको आगे दिखाते हैं हम। ये अपना टेंट है, वो अपनी वैनम, तो ये अंदर से टेंट है इस साइड, तो बहुत बड़ा है, इसमें सो सकते हैं चार से पांच बंदे सो सकते हैं इजीली। ये है अपना सेटअप, तो यहाँ जैसे हम यहीं पे खाना बनाएंगे, सारा कुछ हमने साथ लाया। तो ये रहा हमारा बाकी सेटअप, वो अपनी बाइक यहाँ पे ही रहेगी। तो यहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे, हम तीन हैं साथ ही, मेरा एक मेरा भाई है और एक मैं। पूरा सेटअप हो चुका है, अब हम अंदर से आपको दिखाते हैं। मुशरिफ ले अंदर से पूरा स्टोरी दिखाना। सो गाइस, ये हो चुका है कुछ सेटअप यहाँ पे टेंट पूरा। तो ये हो चुका है अभी सेटअप हमारा, पता है। तो सेटअप हो चुका है फाइनली गाइस, ये चुका है अभी बाहर, देखना पूरा कवर हो गया फॉग से। तो ये भाई अपने भी हैं कुछ, ये शूट कर रहे हैं बट ये वापस चले जाएंगे, हम सिर्फ तीन बंदे कैंपिंग करेंगे। तो अब उनका वेट करता हूँ मैं, जब वो वापस आएंगे उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कुकिंग वगैरह का। मैंने हमने टेंट के साथ रख दी है क्योंकि इस साइड से जो है हवा बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये इसको ब्लॉक करेगा क्योंकि यहाँ पे जो क्लिप्स हैं ये पूरी तरीके से इसमें फिट नहीं हुई हैं, तो इसमें जो हवा आएगी वो मतलब इसको ब्लॉक करेगी एक साइड से, तो ठंड भी कम लगेगी और पास में वैनम भी है। तो यहाँ पे हम एक साइड से यहाँ से आग जलाएंगे, बाकी हवा इसी साइड से आ रही है तो उस साइड से ब्लॉक हो जाएगी। बाकी वैनम और इसकी की लुक देखो, बाकी व्यू ये सामने का है। तो अब हम सुबह यहाँ से लेट जाएंगे क्योंकि सुबह हम सोच रहे हैं हम ऊपर जाके कैंप करें, थोड़ी देर चाय वगैरह वहाँ बनाएंगे। टेंट वगैरह हमने सेटअप कर लिया है, बाकी आप देख सकते हो इस टाइम का मौसम, तो रात को हम यहीं पे स्टे करेंगे, तीन ही बंदे हैं हम। तो बाकी आप देख सकते हो वैनम हमने इस साइड से लगाई है क्योंकि यहाँ से जो हवा आती है ना तो इसको ये थोड़ा सा ब्लॉक करेगा, तो उस साइड से हम आग जलाएंगे, बाकी दो साइड से चलेगा। तो आपको मैंने दिखा दिए क्लिप्स की अंदर, ये देखो कंबल वगैरह हमने अच्छे से बिछाया है बट हमें लेने के लिए कुछ भी नहीं है, तो रात को ठंड लग सकती है तो अब क्या करें, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बाकी सामने का व्यू देख सकते हो, तो ये मेरा होम टाउन है, इस जगह का नाम है सॉरी मेरे होम टाउन का नाम है गूल वैली, आप सर्च करना निकल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट रामबन में पड़ता है। जम्मू से यहाँ तक कम से कम 165 से 170 किलोमीटर है। अभी भाई वगैरह आपने मिल गए थे तो ये ऊपर को जा रहे हैं घूमने, तो ये रात को वापस जाएंगे, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, हम तीन ही बंदे हैं, तो रात को भी शूट करके दिखाएंगे आपको। टॉर्च वगैरह हमने सब कुछ साथ रखा है क्योंकि रात को लाइट नहीं होती है यहाँ पे, लाइट होगी भी कैसे। तो चार्जिंग वगैरह का फ़ोन का सिस्टम है कि ये वाला फ़ोन जो आईफोन जिससे मैं शूट कर रहा हूँ ये जल्दी डेड हो जाएगा, बट ये वाला फ़ोन जो है मेरे को कॉलिंग वगैरह के लिए ठीक है, 70% चार्ज है। बता रहा था कि रामबन से आगे जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पे किसी को भी पूछना कि हमें गूगल जाना है तो वो आपको रास्ता बता देंगे, 52 किलोमीटर है रामबन से आगे। तो यहाँ पे विजिट करना है क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं ऊपर जहाँ पे लोग जाते हैं बट सिर्फ दो प्लेस पे जाते हैं, दगन टॉप और रामाकुंडा जहाँ तक गाड़ी जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आओ। सो गाइस देखो अपना भाई लकड़ी लेके आ चुका है, तो दोनों, तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आओ, ट्रैक वगैरह करो प्रॉपर वे से, तो मज़ा आपको बहुत आएगा क्योंकि ऊपर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। मेरे पास टाइम नहीं है अभी, मेरे को वापस जाना है जम्मू 3-4 तारीख को, नहीं तो मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करता। नेक्स्ट टाइम जब मेरे 8 को पेपर ख़त्म होंगे उसके बाद मैं वापस आऊँगा, तो उसके बाद कोशिश करूँगा कि बाकी प्लेस जो हैं यहाँ की जहाँ पर ट्रैक करके जाना पड़ता है वहाँ को उनको हम एक्सप्लोर करें। अभी लेके आ चुके हैं, अब हम सबसे पहले आग जलाएँगे उसके बाद मीट वगैरह धोएंगे। कैसी हालत हुई तेरी? बहुत बुरी हालत हो गई गाइस, लकड़ियाँ ही नहीं मिल रही थी, अभी लकड़ियाँ लाए हैं तो अब हम, मैं बोल रहा हूँ उस साइड जलाएंगे अपने पास है, तो इनको टेंट में रखेंगे, तो यहाँ अपने पास ही रखेंगे हाथ में। तो ये पत्थर वगैरह लाएंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा करेंगे मतलब आग जलाने का सिस्टम,
स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पे हम पानी लेने के लिए आए हैं, तो यहीं पे सारा कुछ धोते हैं, पानी ले जाते हैं वापस। तो नीचे वाले मोड़ में हम कैंपिंग कर रहे हैं, मौसम भी क्लियर हो चुका है, पानी वगैरह ला के वापस आ चुके हैं। तो देख सकते हो स्काई पूरा क्लियर हो चुका है, तो आग हमने जला ली है, अब हम यहीं पर कुकिंग करेंगे। तो इसमें मीट है और पानी वगैरह हमने लाया है, बाकी सारा कुछ लाया है, अब करते हैं कुकिंग स्टार्ट। तब मैं टमाटर और प्याज वगैरह काटता हूँ, तो फोन को पीछे फेंकते हैं। यहाँ पे इसमें दूध है, इसको रखते हैं साइड पे। सो ये टमाटर वगैरह काटते हैं, ट्राईपॉड लाना मैं भूल गया यार। सो गाइस ये अभी पत्ती बन रही है चाय। सो गाइस ये अभी बन रही है चाय और वो है चावल के लिए। तो आग अभी थोड़ी थोड़ी चल रही है, हवा ऊपर से चल रही है, तो गाइस नीचे की तरफ हीट जा रही है सारी। तो बाकी चाय अभी उबल नहीं रही, तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना इसके आगे ये रख दूँ मैं, जिसकी वजह से हीट पीछे की तरह जाएगी वापस। तो अभी आप देख सकते हो, हाँ आप ठीक हो गया, क्योंकि अब हीट पीछे रहेगी तो ये भी सूख जाएगा और ये भी जलेगा, साथ में हमारी चाय भी बनेगी। तो गाइस बाकी यहाँ पे अभी चाय बन, मैंने काट ली है, प्याज भी बहुत ज़्यादा है, टमाटर भी, तो वहाँ पे आग भी जल चुकी है। अब हम पहले सबसे पहले मीट बनाएंगे, चावल बाद में, बाकी ये देखो बाजर, तो ये सारा क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले उठते हैं, अब पहले मीट बनाने की तैयारी करते हैं। इस बंदे को तो आप जानते ही हो, देखो किसका कॉल आया है, शाहिद भाई का। इसकी वजह से बहुत बंदों को आग लगी पड़ी है, तकलीफ हो रही है गाइज। तो अब ये भी जल्दी आएगा, तो बाकी आप बाहर का व्यू चेक करो। तो अब हम चाय वगैरह पीते हैं, शाहिद भाई से बात करते हैं, तो फिर आपसे अब आगे मिलते हैं व्लॉग में। बाकी फीलिंग में हमने प्याज डाल दिए, तो जब जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इनमें टमाटर डालेंगे और थोड़ा सा पानी। तो हीट बहुत ज़्यादा सही है, और थोड़ा दूर में रख। तो गाइस बाकी काम ये करेंगे, कुकिंग मैं करूँगा क्योंकि कुकिंग मेरे को अच्छी से आती है। तो टमाटर थोड़ी देर बाद डालेंगे, पहले इसको देखते हैं जैसे ये ब्राउन हो जाएंगे, जल ना जाए बस। तो गाइस मज़ा तो बहुत आ रहा है, तीन ही है बट मज़ा आ रहा है। एक बंदे को मिस कर रहे हैं हम, वो है फैसल और एक शाहिद। शाहिद तो आ नहीं पाया, बाकी फैजान वगैरह भी, उनका पेपर था, नहीं तो उनको मैं संगलदान से लेने जाता इस बार। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जो हम वापस आएंगे पेपर देके फिर हम कैंपिंग करेंगे। तो तेल वगैरह पूरा है, तो बाकी अभी ये ऊपर जा रहे हैं लकड़ी लाने और, क्योंकि पूरी रात निकालनी है। ये वाली लकड़ी जो होती है ये वाली सही रहती है, इसे आग बहुत ज़्यादा मतलब देर तक रहती है। तो थोड़ी थोड़ी हम शूट थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, क्योंकि सुबह भी करना है। तो व्लॉग या तो मैं दो पार्ट में डालूंगा व्लॉग, तो देखना अच्छे से और सपोर्ट दिखाना इन व्लॉग्स को प्लीज़। बैटरी भी कम है और यहाँ पर नेटवर्क वगैरह भी कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पर टमाटर वगैरह डालता हूँ इसमें, तो थोड़ा टाइम लगेगा इनको और पकने में। प्याज को, अगर प्याज कच्चे रहेंगे तो मज़ा नहीं आता। बाकी यहाँ से देखो व्यू कितना सही आ रहा है, तो फैजान वगैरह अगर होते तो बहुत मज़ा आता, क्योंकि हम जम्मू में भी साथ में ही होते हैं। कोई नहीं, उनका पेपर था, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो कैंपिंग साथ में। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पे गए इस पेड़ से जो सूखा हुआ है, इसे लकड़ी लाने। तो मैं बना लेता हूँ सबसे पहले मीट, तो उसके बाद चावल भी बनाने हैं। तो अभी टाइम तो बहुत है, अंधेरा होने में लगभग एक घंटा अभी लगेगा पूरा अंधेरा होने में, तब तक हम सब कुछ रेडी कर लेंगे शायद। लगता तो ऐसा ही है क्योंकि हमने काम जल्दी स्टार्ट किया था। बाकी वैनम वो रही अपने साथ में ही, वैनम को अपने साथ ही रखते हैं हम। प्याज जो है वो पूरे पक चुके हैं, अभी मैं टमाटर ऐड करेंगे। मुझे इसमें टमाटर डाल, कई गोड़ बूट से आराम से डालना, डाल दे बस। सुबह लहसुन और टमाटर और मिर्ची है इसमें, हरी मिर्च। तो अब इनको पकाएंगे अच्छे से, फिर मसाले डालेंगे। टमाटर आधे पक चुके हैं, मसाले वगैरह हमने ऐड कर दिए हैं, थोड़े बहुत और पकेंगे। कलर देख सकते हो आप कैसा आया अभी सही। तो अभी टमाटर थोड़े बहुत और पकेंगे, उसके बाद हम मीट ऐड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये तेल जो है ऊपर आ चुका है, इसका मतलब जो है मसाले अच्छे से पक चुके हैं और टमाटर भी।
बट फिर भी हम इनको 5 मिनट और लगने देंगे तो फिर मीट ऐड करेंगे, पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पकाएंगे, थोड़ा सा पानी बाद में डालेंगे, अभी नहीं। तो गाइस अभी मीट हमने इसमें डाला है तो अब मीट पकाएंगे अच्छे से, पानी नहीं डालेंगे पानी के बगैर, क्योंकि उसमें टेस्ट आता है, तो इसमें टाइम लगेगा, फिर चावल चढ़ाएंगे। ये बन रहा है तो इसको बनने से हम पानी लाने जाते हैं क्योंकि ऊपर चश्मा है तो रात को जाते नहीं है ज़्यादा लेट, तो अभी ही लेते हैं। 3-4 सीटियाँ तो लगी हैं बट अभी 6-7 और देनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा, पीस बहुत बड़े बड़े हैं। तो बाकी अभी वो चावल धोने गए हैं आगे, तो वो चावल धो के आएंगे तो फिर चावल भी चढ़ा देंगे क्योंकि टाइम 8 हो चुका है। दिखा देता हूँ मैं आपको, तो आधा पार्ट में आज डालूंगा, आधा बाद में डालूंगा, तो दोनों को एंड तक देखना और सपोर्ट करना, फिर मैं आगे भी कहीं कैंपिंग करने जाऊंगा अपने पेपर के बाद। मैं अभी अंदर बैठा हूं और ये चावल बना रहे हैं, तो 49% बैटरी है, सुबह तक ये भी ड्रेन हो जाएगी, तो बाकी अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं मज़े से बैठा हूँ, लेटा हूँ यहाँ पे, तो ये बना रहे हैं, अभी खाना जाना बनेगा फिर खाएंगे, फिर दिखाएंगे आपको।